हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जीवन परिचय का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आज हम पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित जी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जन्म, उनका शिक्षा, उनका संगीत कार्यक्रम, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका संगीत में योगदान, उनकी मृत्यु, इन सब के बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। पंडित कृष्ण राव शंकर इस तरीके से भी लिखा आता है, और कृष्ण राव शंकर पंडित इस तरीके से भी इनका नाम लिखा आता है। तो सबसे पहले आ जाता है इनका जन्म। संगीत काल के प्रकांड पंडित श्री कृष्ण राव शंकर जी का जन्म 26 जुलाई सन 1894 में ग्वालियर के एक दक्षिण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मीन्स कि एक दक्षिणी ब्राह्मणी परिवार था जो ग्वालियर में रहते थे, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जी का नाम पंडित शंकर राव जी था, जो खुद भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और जिन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हद्दू खां और नत्थू खां से संगीत की शिक्षा पाई थी। तो पंडित जी ने भी अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, पहले तो अपने पिताजी से ली और बाद में इन्हीं से ली, और बाद में उस्ताद निसार हुसैन खान की देखरेख में इन्होंने 12 वर्षों तक संगीत कला की कठोर साधना की। अपने समय के महान संगीतज्ञ सिद्ध हुए। ये तो पंडित जी की शिक्षा के बारे में आता है। श्री शंकर राव पंडित जी ने कृष्ण राव को भी संगीत की शिक्षा प्रदान की थी, और ये किसकी थी? पंडित जी के पिताजी की शिक्षा के बारे में, इसलिए इन्होंने शुरू में अपनी शिक्षा अपने पिताजी से ही ली थी। पिताजी ने अपने जीवन के अनुभव को पुत्र के कंठ में स्थापित करके ही अपने को कर्तव्य मुक्त माना। मीन्स कि जो पिताजी के पास जितनी भी शिक्षा थी, वो सारा शिक्षा जो है उन्होंने अपने बच्चे के अंदर उड़ेल दी थी। बालक कृष्ण राव से पिता को बड़ी बड़ी आशाएं भी थी, जो समय पर पूर्ण हुई। मीन्स कि सब कुछ सिखाने के बाद उनके पिताजी को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और समय आने पर वो अपने पिताजी की उम्मीद पर खरे भी उतरे। इसके बाद आ जाते हैं संगीत कार्यक्रम। पंडित जी ने क्या क्या संगीत कार्यक्रम किए? पंडित जी के संपर्क में आने का सौभाग्य जिन लोगों को भी प्राप्त हुआ, वे इनकी निष्प्रहता और सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थे। कहने का मतलब ये कि पंडित जी इतने ज़्यादा बड़े संगीतकार होते हुए भी बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, जिससे जो उनका यही स्वभाव लोगों को प्रेरित करता था और प्रभावित भी करता था। इन्होंने देश के कोने कोने में अपने कला ज्ञान की धाक जमाई। मीन्स कि देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर उनकी कला के ज्ञानी नहीं थे और कला को मानने वाले नहीं थे। मीन्स कि चारों तरफ इनकी ख्याति फैल चुकी थी। जितनी भी संगीत सभाएं थी, मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद IE संगीत विभाग ने गायन विशारद, और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्न अलंकार की उपाधि देकर इनको सम्मानित किया। तो ये सारी अलग अलग विश्वविद्यालयों के नाम है जहाँ से इनको उपाधियाँ मिली। पुस्तकें, पंडित जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? पंडित जी ने संगीत विषयक साहित्य भी लिखे थे। हारमोनियम, सितार, जल तरंग और तबला वादन पर इन्होंने अलग अलग पुस्तकें भी लिखी। इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में संगीत सरगम सार, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप, संचारी आदि बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसके बाद शिक्षक के रूप में, मीन्स कि शिक्षक के रूप में इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र आरंभ से ही ग्वालियर रखा। मीन्स कि सबसे शुरू में ग्वालियर में ही काम करना शुरू किया। सन 1913 में महाराज सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में अपने यहाँ रखा, परंतु एक वर्ष बाद ही इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया। वहाँ एक वर्ष तक इन्होंने कार्य किया, फिर अपनी मर्जी से इन्होंने वह कार्य छोड़ा। इनके मन में क्या था, एक अच्छे संगीत संस्था की स्थापना करने की इच्छा जागृत हुई थी। इसीलिए सन 1914 में इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय नाम से ग्वालियर में एक संस्था स्थापित की।
सन 1917 में इस संस्था का नाम अपने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व विद्यालय रख दिया गया। मीन्स कि 1914 में जो इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय खोला था ग्वालियर में, बाद में 3 साल बाद 1917 में इन्होंने इसका नाम अपने पिताजी के नाम पर रख दिया था। इसके बाद आती है गायन शैली। उनकी गायन शैली कैसी थी? पंडित जी की गायन शैली की विशेषता यह थी कि उसमें आरंभ से ही लय स्थापित स्थाई के साथ साथ अल्प आचारी रहती थी, अल्पाचारी, ठीक है। कहने का मतलब इसके लय के साथ साथ आलाप का भी उसमें सम्मिश्रण रहता था, आलाप भी सम्मिलित होता था। इसका मतलब अल्पाचारी का ही है, अलापाचारी जिसको बोलते हैं। इस प्रकार उन्हें अलग से आलाप जारी करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वो शुरू से ही आलाप को लेकर चलते थे लय के साथ साथ, इसीलिए अलग से आलाप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पंडित जी की जो बोलतान बहुत सुंदर कहते थे। इनकी दूसरी विशेषता है गले की मींड। मींड आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। 3 सप्तक की तान कहने के बाद ग रे ग यानी पूरे 1 सप्तक की मींड कहकर सुर पर न्यास देते थे। न्यास का मतलब जिस शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव दिया जाता है, जिस शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलित रूप में गाया जाता है। इस तरीके से पंडित जी अपनी गायन शैली दिखाते थे। इसके बाद आ जाते हैं पुरस्कार। सन 1947 में ग्वालियर महाराज जी ने इनकी कला से प्रभावित होकर इनको कला संपन्न निपुण देखकर, महान संगीतकार होते हुए देखकर इनको स्थानीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर नियुक्त किया। इसके साथ साथ सन 1959 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया और सन 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। डॉक्टरेट की उपाधि का मतलब जब वो उनको किसी के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तो उसको हम डॉक्टरेट की उपाधि कहते हैं। तो 1962 में इनको ये उपाधि भी मिली। सन 1973 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण प्राइज से भी अलंकृत किया, विभूषित किया, जो हमारे देश का बड़े पुरस्कारों में से माना जाता है। तो ये इनको पुरस्कार मिले। इसके बाद आ जाते प्रमुख शिष्य। इनके कौन कौन से प्रमुख शिष्य थे? इनके खुद के 4 पुत्र थे, जिनमें से प्रोफेसर नारायण पंडित और प्रोफेसर लक्ष्मण राव पंडित भी संगीत कला के विद्वान थे, ठीक है। 2 पुत्र तो जो संगीत कला के विद्वान थे चारों में से, और इनका कार्य आकाशवाणी में भी प्रसारित होता रहता था। 3रे पुत्र जो थे जिनका नाम श्री चंद्रकांत तथा 4थे पुत्र का नाम श्री सदाशिव था। इनके अतिरिक्त इनके शिष्यों में जो नाम थे, 4 पुत्र तो इनके शिष्य थे ही थे, इसके अलावा जो इनके अन्य शिष्य थे उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे प्रोफेसर विष्णुपंत चौधरी, रामचंद्र राव सप्तऋषि, पुरुषोत्तम राय, प्रोफेसर केशव राव सुरंग, एकनाथ सदाशिव राव अमृत मूले के नाम से उल्लेखनीय, ये सारे इनके अन्य शिष्य थे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं उनकी मृत्यु। पंडित कृष्ण राव ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे, मीन्स वो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, और उनकी मृत्यु 22 अगस्त 1989 को हुई। मीन्स कि इस महान विभूषित आत्मा ने, जिनको काफ़ी प्राइज मिले थे, जो उस वक्त के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे, उनकी गायन शैली में एक अद्भुत विशेषता थी, उन्होंने 22 अगस्त 1989 को अपने देह को त्याग दिया। तो बच्चों, ये आपकी पंडित कृष्ण राव शंकर जी की जीवन शैली है, पूरी शैली है, जीवन परिचय है। आप इसको ध्यान से सुनिए, इनको याद करिए और आगे का काम भी करिए, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।